नमस्कार। हमारे जितने भी हमें फॉलो करने वाले हमारे साथी हैं, सबको सनक मल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार प्रणाम। साथियों, मैं खास करके आप लोगों को कुछ चीज़ से अवगत कराना चाहता हूं कि खास करके मेरा जो संघर्ष रहा, खास करके 2014 से बिहार में निषाद समुदाय को मान सम्मान अधिकार दिलाने का, आरक्षण दिलाने का, और उसके लिए आप लोगों ने हमेशा मुझे भरपूर सहयोग किया, साथ दिया, उसी के दम पर, उसी के बल पर मैं आज यहाँ जहाँ पे भी पहुँचा हूँ। सनक मल्ला लीडर जो भी कह ले नेता, वो सब आप लोगों के सहयोग से प्राप्त हुआ है। आप लोग जिस रोज मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता गिरा, जब भी जिस समय आपने हमें साथ दिया, चाहे मुझे वो दिन अच्छी तरीके से याद है, 16 फरवरी 2014 दरभंगा के राज मैदान में हमने बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें तमाम बिहार के निषाद बंधु हमें साथ दिया। उसके बाद पटना के गांधी मैदान में 12 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली किया 2015 में, भरपूर आपने साथ दिया। बिहार सरकार को रैली को फ्लॉप करने में 30 मई को आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। मोदी जी को चैलेंज देने में 25 जुलाई 2015 को मुजफ्फरपुर में एक तरफ मोदी जी का रैली, एक तरफ निषाद का बेटा का रैली, उस रोज आपने भरपूर सहयोग दिया। और जहाँ जहाँ मोदी जी का रैली था, उससे एक रोज पहले या एक रोज बाद हम रैली करते गए और हर जगह आपने सहयोग किया। चाहे वो पटना रोड मार्च 4 सितंबर को क्यों ना हो, रोड पे उतरे, आपने सहयोग दिया। 12 घंटे में बिहार सरकार को झुकना पड़ा और बिहार सरकार ने रिपोर्ट बनाकर निषाद समाज को, बिन बिलदार नुनिया मल्ला निषाद के सभी 21 उपजाति को बिहार सरकार ने 12 घंटे में अनशंसा कर दिया कि इस समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। साथियों, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद हमने 2014 में हमने बिहार के राजनीति में उभरा। उस समय में बिहार प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष मंगल पांडे जी ने लिखित में आश्वासन दिया, सिर्फ 2 महीना का मेरा पॉलिटिक्स करियर था और मैंने लिखित में आश्वासन लिया कि आप हमारे एजेंडा पे काम करेंगे। और ये कोई एक साथी ने बोला कि ये फर्जी है, मैंने इसको भी वीडियो कर लिया, क्योंकि नेता अक्सर बदल जाते हैं, इस तरीके का मैंने साइन करा के लिया। वीडियो भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दिखाऊँ। और आपने देखा कि जब भी भाजपा को जरूरी था निषाद मल्ला समाज का वोट का, तो उन्होंने एग्रीमेंट तक साइन किया। 2015 में खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने, जबकि मैं महागठबंधन में समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुकेश जी किसी भी हालत में हमें सरकार बनाने दीजिए, आप हमको मदद कीजिए और दिल्ली में जो आपकी लड़ाई है वो मैं पूरा करूँगा। तो साथियों, आज हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो हमें सपना दिखाया, जो हमसे वादा किया, वो वादा को पूरा नहीं किया। खैर, मैं तो हूँ, लेकिन देश के तमाम हर युवा से, हर किसान से, हर लोगों से उन्होंने वादा किया था कि मैं बहुत कुछ करूँगा देश के लिए, उनके साथ रह किया और मेरी भी साथ भी बहुत तरीके का वादा किया। तो आज हमारे बिहार में 71 साल के बाद आप लोगों के सहयोग पर, आप लोगों का बल पर आज तक हमारे लोगों समाज में सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, और वो अपने अनुकूल बहुत कोशिश किए होंगे कि मैं राजनीति में बहुत शिखर तक पहुँचे, हमारा समाज पहुँचे, लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाया। जो लोग भी सफल हुए तो सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए कर पाए, समाज को बहुत कुछ नहीं दिया। मैंने 2015 में अपनी ताकत दिया, मैंने बिहार में कई ऐसे लोगों को मैंने विधानसभा का टिकट दिलाया, चाहे वो विनोद बंपर बोरा बोरा में हो, या विजय गोरी कटिहार में उनको टिकट देना हो, या मोरवा में विद्यासागर निषाद का टिकट देना हो, या आप अर्जुन सहनी को MLC बनाना हो, तमाम हमसे जितना हो सका उतना हमने बिहार में हरी सहनी को
विधानसभा में उनको टिकट दिलाना हो, तमाम बहुत सारे नेता को मैंने किया, लेकिन मैंने पहले एजेंडा था कि मैं राजनीति नहीं करने के लिए, समाज को लाभ देने के लिए, तो मैंने खुद भी चुनाव नहीं लड़ा। तो इस बार हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा एक ही लड़ाई था, समाज को आरक्षण मिले, जब देश एक है, संविधान एक है, जब बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली जैसे राज्य में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ये आंदोलन आज एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लिया 2018 में 4 नवंबर को, और आप लोगों के सहयोग से लिया, और आज महागठबंधन जहाँ पे कांग्रेस पार्टी, नेशनल पार्टी, क्षेत्रीय RJD पार्टी, जो बड़े पार्टी, और हम लोग जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सबके सहयोग से हम लोग एक बड़ी गठबंधन किया है, इसमें हमें 3 सीट मिला है। आज तक हमारे लोग बड़े बड़े पार्टी के पीछे घूमकर अपने चप्पल खींच देना और ज़िंदगी बिता देना, लेकिन उनको एक टिकट का नसीब नहीं होता था। आज हम लोग टिकट मांगने वाला व्यक्ति नहीं बने, टिकट बांटने वाला व्यक्ति बने साथी। आज हमारे खगड़िया, मधुबनी या मुजफ्फरपुर में हम लोग आज टिकट बांटे और टिकट पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे साथी। तो साथियों, आज जो मुजफ्फरपुर में लोकसभा क्षेत्र में खास करके चुनाव हो रहा, यहाँ पर हमारी लड़ाई अजय निषाद से नहीं है, वो हमारे समाज का बेटा है और सम्मानित व्यक्ति है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से कि उन्होंने निषाद समाज से जो वादा किया वो वादा को पूरा नहीं किया। अभी हम अपना घर बना चुके और मैं यहाँ पे भी निषाद को बेटा को भी जगह दिया, टिकट दिया, निश्चित तौर पे जीतेगा। ओके। मजबूती से जो आप लोग आज तक साथ दिए, उसी तरीके से ये चुनाव को भी देखना है और हर बगैर कुछ सोचे हुए अपने पार्टी को जिताना है, अपने प्रत्याशी को जिताना है और मोदी जी को दिखाना है। अभी मैंने कल इमरजेंसी कुछ काम आ गया, मैं 4 बजे प्रचार खत्म करके मैं अचानक मैं दिल्ली गया हूँ साथियों, और कल मैं रात को दिल्ली था, सुबह में फिर मैं पटना आ गया। मैं वहाँ पे मैं गया, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिक्स जगत में बड़े बड़े नेता से हमने मिला। क्लियर है मोदी जी 125 से लेकर 145 की सीट ला रहे हैं, और पूरा NDA 175 से लेकर 190 के अंदर में रहने वाला है, और हमें पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगा, UP की सरकार बनेगा, और जिस सरकार में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा, और आपको पता है सरकार में आपका योगदान होगा निश्चित तौर पे। जो हमारी लड़ाई है, जो हम जायज संविधान के दायरा में रहकर आरक्षण जो मांग रहे, निश्चित तौर पे हमें आरक्षण मिलेगा। इसके लिए आप लोग की आवश्यकता है कि आप सबसे पहले 3 लोकसभा क्षेत्र से हम जो चुनाव लड़ रहे हैं उसको जीते, जिसमें एक का चुनाव संपन्न हो चुका है, 2 मधुबनी और मुजफ्फरपुर का कल चुनाव होना है, कल मतदान होना है, और उसमें आप लोग तमाम हमारे संगठन के, पार्टी के सभी पदाधिकारी को कि यही एक मौका हम लोगों को मिला है 71 साल के बाद कुछ कर दिखाने का, कुछ कर जाने का, तो इसको आप बरकरार रखें, अब मजबूती से चुनाव लड़ें। और आज मैंने कल एक पेपर हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता सुशील कुमार मोदी जी ने भी मधुबनी में रोड शो करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बद्रीपुर में से नहीं है, शकील अहमद से लड़ाई है। वहां पे भी उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश खास करके बनिया समुदाय को दिया, क्योंकि वैश्य समाज को दिया, क्योंकि हमने वहां पे वैश्य समाज को चुनाव मैदान में उतारा है, और वैश्य समाज से आते हमारे सुशील मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने वहां पे जाके अपने समुदाय को एक इंडिकेट किया कि मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, अपने समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई दूसरे साइड, एक निर्दलीय प्रत्याशी का नाम लिया। तो आप समझिए कि इतने बड़े लोगों से सीख लेने की आवश्यकता है कि उन्होंने किस तरीके से इंडिकेट किया अपने समुदाय को कि मेरी लड़ाई बद्री पूर्वे जी से नहीं है, हमारी लड़ाई बनिया समुदाय से नहीं है, हमारी लड़ाई शकील अहमद जी से है, निर्दलीय प्रत्याशी से। तो उसी तरीके से साथियों, यहाँ पे भी सीख लेने की आवश्यकता है कि मेरी लड़ाई अजय निषाद जी से नहीं है, हमारी लड़ाई मोदी जी से है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से है, जिन्होंने वादा करके हमें काम नहीं किया, मंगल पांडे से लड़ाई है, और हम व्यवस्था बदलने की लड़ाई है कि इस संसार में हम गरीब है तो हमें भी जीने का हक अधिकार मिले, हमारी अपनी पार्टी है, हमारे अपने घर के, हमारे अपने भाई, अपने लोग हमारे चुनाव मैदान में है, हमारी दायित्व बनता है कि उनको चुनाव जिताना, ताकि आपकी पकड़ बनेगा दिल्ली में और आप अपने बात को मजबूती से रख सकते और तमाम गरीब लोगों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते। आज हम आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में लड़ाई लड़ रहे, और आपको पता होगा कि लोग भले कुछ भी बोल दे, जंगल राज बोल दे, मंगल राज बोल दे, कुछ भी बोल दे, लेकिन गरीब को अगर आवाज किसी ने दिया
तो हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, कुछ लोग ऊंची व्यवस्था के कारण जो लोग हमारे अपने दरवाजे पे नहीं चढ़ने देता था, हमारे हाथ से पानी नहीं पीता था, आज वो व्यक्ति लोग हमें हिंदुत्व की पाठशाला पढ़ा रहा है, हमें हिंदुत्व के बारे में बात कर रहा है। जो व्यक्ति देश के लड़ाई के लिए भारत माता का तिरंगा को जिस व्यक्ति ने एक्सेप्ट नहीं किया नागपुर वाला, आज वो हमें देशभक्ति सिखा रहा है। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये जो सरकार है वो मुद्दा की बात नहीं करता, वो घुमाने की बात कर रहा है। आप बताइए, देश के सेना हमारे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान को दो टुकड़ा करके बांग्लादेश पाकिस्तान बना दिया, कभी किसी को बताया नहीं। कभी आपकी पॉलिसी इस तरीके से होना चाहिए कि आप जो देश के सुरक्षा के लिए करते हैं वो दुनिया को सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं, आपकी सुरक्षा में जो भी काम करें वो गोपनीय रहना चाहिए। लेकिन आज के देश के हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलना है, चुनाव जीतना है तो जो मुद्दा की बात नहीं करते कि 2 करोड़ नौकरी हम कैसे देना था, आज लोगों को काला धन लाके लोगों को देश को सम्मान देना था, लोगों को 15-15 लाख रुपया देना था, वो नहीं करके देश से हजारों करोड़ रुपया काला धन के नाम से विदेश पहुंच गया। साथियों, तो कहीं ना कहीं मुद्दा की बात नहीं करके आज हम लोगों को भटका रहा है। तो खास करके हमारे जितने भी देश के सम्मानित लोग हैं, जो जाति धर्म कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आपको अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आपको बहुत कुछ सोच समझ के आपको चलना पड़ेगा। और देश हमारा पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। और रहा पाकिस्तान, उन लोगों को हमारे देश के सामने क्या हैसियत है, आज देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, उनको दिखा के हम लोगों को डरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो होना चाहिए वो नहीं कर रहे। और रहा कि हमारी जो लड़ाई है देश के प्रधानमंत्री से है कि आपने जो वादा किया आप वादा करें। हाँ, आप कह देना कि मैं संविधान के दायरे से नहीं मांग रहा हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा मांग रहा हूं, आप मेरे को रिपोर्ट लिख के दे दें कि आपकी आरक्षण मांगना जायज नहीं है। आपने आरक्षण दिया ना, 8 लाख रुपया कमाने वाले व्यक्ति को आपने आरक्षण दिया। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि आपने क्यों दिया, लेकिन आपका तरीका गलत है। 8 लाख रुपया कमाने वाला सालाना व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता है, गरीब वो व्यक्ति होगा जो 300 रुपया रोज कमाने वाला व्यक्ति है, चाहे वो जाति धर्म कोई क्यों ना हो, आप उनको मदद कीजिए। 8 लाख रुपया कमाने वाला गरीब नहीं है, आपकी पॉलिसी सही नहीं है। बाकी हमें तो, हम सम्मान करते हैं हर जाति धर्म के लोगों को, जो गरीब है उनको न्याय मिलना चाहिए, उसको सरकार से फैसिलिटी मिलना चाहिए, सरकार से हर तरह का सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। आज बिहार के मछुआरा समुदाय, आपको क्या लगता है भारत बिहार में खास करके 2% भी लोग ढूंढ के आप मेरे को बता दीजिए सालाना 8 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति, आप उनको नहीं दे रहे? 98% लोग जो गरीबी रेखा से जी रहे आज उनको सम्मान नहीं दे रहे, उनको आरक्षण नहीं दे रहे, जबकि अम्बेडकर जी ने हमें आरक्षण दिया था 1950 में जब संविधान बना। आज हमारे पड़ोसी राज्य में बंगाल में हमारे निषाद भाई को, वीर भाई को, मददार को, नुनिया को, सभी को, उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। बिहार में हमने क्या गुनाह किया जो हमको आरक्षण नहीं मिल रहा? तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने वादा भी किया था, एग्रीमेंट मेरे साथ साइन किया, उसके बावजूद भी आपने नहीं दे रहे। तो साथियों, और हमारे संगठन के पार्टी के सभी पदाधिकारी को, आपके पास 30 घंटे का समय है, आप जहां पे भी हो, जिस जगह पे हो, आप लोग हमारे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मजबूती से वहां पे अपने बात को रखिए, और वहां पे आपका अपना प्रत्याशी है, उनको चुनाव जिताइए, और फिर आप एक जिस तरीके से मेरे पर भरोसा किए हैं, आने वाले समय में आपके भरोसे पे मैं किस तरीके से कायम रहूंगा, ये निश्चित तौर पे आज तक मैंने भरोसा किया, कायम रहा, आने वाले समय में भी कायम रहूंगा। लेकिन आज समय है कि 30 घंटा बचा है और कुछ कर दिखाने की समय जरूरी है, इसलिए साथियों आप लोग दोनों सीट को जीतिए और मजबूती से आप अपने पार्टी को बढ़ाइए। आज हम 3 सीट पे लड़ रहे हैं, आपके 3 सीट निकलने से अगले 2020 में जब विधानसभा के समय आएगा वहां पर हम 30 सीट से अधिक से चुनाव लड़ेंगे, और ये बिहार में निषाद का एक बहुत बड़ा सम्मान होगा, आज आपके अपने व्यवस्था पे होगा। आज ने मोदी जी ने हमें हर तरह से फैसिलिटी देने का बात किया, राज्यसभा भेजने का बात किया, हमारे साथ आइए चुनाव लड़ाने की बात किया, हर तरह से फैसिलिटी देने का बात किया, लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना, हमने कठिनाई वाला रास्ता चुना, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में संघर्ष करके यहाँ पे आया हूँ। मैं गरीब मछुआरा का बेटा, 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मैं आया हूँ। अब मुझे पता है कि मैंने जो सपना नहीं देखा वो मैंने साकार किया है, तो मैंने सपना देखना चालू किया कि बिहार के गरीब मछुआरा, तमाम हर जाति गरीब के युवा के लिए मैं कुछ करूँगा। निश्चित तौर पर आपका जो साथ आज तक मिला वो साथ रहे, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपके पास 30 घंटे का समय है, टेलीफोन कीजिए। कुछ साथी हमारे साथ 2014 में मजबूती से थे,
कुछ साथी 2015 में मजबूती से थे लेकिन किसी कारण आज नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार बहुत बड़ा हो रहा है, इसके लिए शायद जाने अनजाने में हमसे गलती हुआ होगा, तो हम उसके लिए माफी चाहूंगा। ये घर, ये पार्टी, ये संगठन आपका है, एक दिन आपने इस संगठन, इस पार्टी को खून पसीना आपने दिया और ये आपका है, मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें आपका भी योगदान है। उसी तरीके से आज भी आप लोग जहां पे भी है आप मजबूती से अपने वीआईपी पार्टी, अपने संगठन को मजबूती से साथ दीजिए, आपके अपने प्रत्याशी को साथ दीजिए और आने वाला समय में निश्चित तौर पे जो कभी नहीं हो पाया वो होगा। इसलिए साथियों हम लोगों को मजबूती से अपने लोगों को मदद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैंने बहुत सारा बात को रखा और अपने सहयोगी लोगों को आप इसको शेयर कीजिए, उनको बताइए, एक एक दूसरे को जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।